सीएसएस में बॉर्डर और बॉर्डर रेडीज प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैं यहां से एक न्यू फाइल ले रहा हूं, उसको सेव कर रहा हूं। सेव करके उसका नाम मैं रख रहा हूं border.html। ये मेरी वेब पेज की फाइल सेव हो गई और यहां पर मैंने लिख दिया सपोज टू बी बॉर्डर एंड रेडियस। आज तक काम सीखेंगे, फिर जब कोई डिजाइन बनाना होगा तो यूज करके बनाना। तो हम यहां पे एक div बना रहे हैं और उसकी आईडी डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख लें, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बॉक्स वन। तो इस तरह मैं 3 4 5 6 बॉक्स बना लेता हूँ बार बार रिपीट करके। इसको 7 बॉक्स मैंने बना लिए। यहाँ पर से मैंने क्लिक करके इसकी मैंने आईडी रखी है बॉक्स वन, ठीक है। इसका मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। इसकी आईडी मैंने रख ली है बॉक्स टू। इसकी मैंने आईडी रख ली है बॉक्स थ्री। इसकी मैंने आईडी रखी है बॉक्स फोर। इसकी मैंने आईडी रखी है बॉक्स फाइव। इसकी मैंने आईडी रखी है बॉक्स सिक्स। इसकी मैंने आईडी रखी है बॉक्स सेवन, ठीक है। और इस तरह से 1 2 2 और 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे डिफाइन कर, ठीक है। 7 बॉक्सेस हमने यहाँ डिफाइन कर दिए और यहाँ पे भी हमने इसको रिफ्रेश कर लिया। फ्रॉम पे चले गए और फ्रॉम पे जाने के बाद अब इसकी थीम डिज़ाइन करेंगे। हम यहाँ से एक न्यू फाइल लेंगे, कंट्रोल एन करके सेव करेंगे यहाँ से, और उसको हम सेव कर देंगे किसके नाम से, इसी के नाम से कर देते हैं border.css के नाम से। तो न्यू फाइल बन गई, यहाँ पे जाके इसको हम लिंक कर देंगे। यहाँ पे जाके तो लिंक कर दिया border.css के नाम से, यहाँ पर लिंक हो गई फाइल। जैसे ही लिंक हो गई यहाँ पे फाइल, तो यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, सेव कर दें यहाँ पे। अब यहाँ पे वही आईडीज आपने बनानी है, बॉक्स वन की आईडीज बनानी है, ठीक है। बॉक्स की आईडी लगा दी हमने यहाँ पे। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम विड्थ वाली यूज करेंगे प्रॉपर्टी। तो यहाँ विड्थ की प्रॉपर्टी हमने लिखी और मैं सबकी वैल्यू मैं यहाँ पे 100 पिक्सल ही कर रहा हूँ उसको, ठीक है। और जो हाइट है वो तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ सपोज की हाइट, और यहाँ पे 100 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, भी एक कलर ले रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे इस तरह का कलर ले रहा हूँ। उसके बाद इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। ये बॉक्स टू के लिए हो गया, थ्री के लिए हो गया, फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स के लिए, सेवन के लिए हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं कितने बॉक्सेस के लिए हमने काम कर लिया यहाँ पे। बॉक्स वन की आई डी, बॉक्स टू की आई डी, बॉक्स थ्री की आई डी, बॉक्स फोर की आई डी, फाइव की आई डी, सिक्स की आई डी, और यहाँ से हमने ले ली बॉक्स सेवन की आई डी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स सेवन की आई डी भी आ गई और सारे बॉक्सेस तकरीबन हम एक जैसे बन जाएंगे। फिर हम जाके यहाँ पे क्या करने लगे कि हमने यहाँ से इसका जो कलर है वो यहाँ से मैंने इसका चेंज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से इसका कलर मैंने और चेंज कर दिया है, और इसका कलर मैंने जो है यहाँ से और चेंज कर दिया है, इसका कलर मैंने यहाँ से जाके इस पर और चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करके मैंने कोई और कलर ले लिया है। ये सारे कलर्स यहाँ पे इनके डिफरेंट हो जाएंगे, सही। अब आते हैं बॉर्डर के ऊपर, ये तो हमने डिज़ाइन कर लिया। अब बॉर्डर के ऊपर क्या आता है, देखिए एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट पे लगा रहे हैं, मतलब आईडी के अंदर या सेलेक्टर के अंदर, तो उस पर लगाने के बाद आपने जो है क्या करना है कि यहाँ पर बताना है आपको अपने कि कितने पिक्सल का हो। जैसे हमने 10 पिक्सल बता दिया, फिर उसकी टाइप बता दी, जैसे हमने उसकी टाइप सॉलिड बता दी, फिर उसका कलर बताना है बॉर्डर का, जैसे हमने कलर ग्रेड बता दी। जैसे इसके यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें 10 पिक्सल का सॉलिड की टाइप है और ग्रीन इसका कलर है। ये इसके ऊपर बॉर्डर चारों तरफ से अप्लाई होगा। टाइप हम मुख्तलिफ बता सकते हैं, सॉलिड भी टाइप है, डेस्ड भी टाइप है, इसके अलावा इसके अंदर जो है डॉटेड भी टाइप है। तो जिस किस्म की टाइप है इसमें जो उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं, उस टाइप की डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे रख रखी हैं। यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ देखें डॉटेड है, डेस्ड है, सॉलिड है, डबल है, ग्रूव है, और इनसेट है, और राइट है, और इसके अलावा आउटसेट है, ये सब उसकी टाइप है। तो आप एक ही प्रॉपर्टी में चारों तरफ पे ये बॉर्डर इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप ऐसे चाहते हैं, ठीक है। अब आती बात अलग अलग चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर अलग अलग चीज़ अप्लाई करने के लिए आपको देखिए अलग अलग प्रॉपर्टीज भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरे बॉक्स में अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर डैश कलर कैसा होना चाहिए।
अब यहाँ पे आप कलर की बात कर रहे हैं तो कलर हो गया, फिर कलर आपने यहाँ पे बताया भाई सपोज इसका कलर हम येलो लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप बताएंगे बॉर्डर डैश स्टाइल कैसा होना चाहिए, अब पूरी लिस्ट आ गई तो ये डॉटेड इंसेंट हेड एंड ग्रुप कैसा होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। फिर बताएंगे बॉर्डर डैश विड्थ कितनी होनी चाहिए, सपोज हमने 5 पिक्सल बता दी विड्थ जो है, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि सेव करने के बाद तो ये देखें इसका बॉर्डर किस तरह से अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये तीन प्रॉपर्टी अलग अलग भी बता सकते हैं और ये तीन प्रॉपर्टी एक साथ भी हम बता सकते हैं। अब मजीद इसके अंदर वेरिएशन लेकर आए तो फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, यही तीन प्रॉपर्टी ले लेते हैं पहले हम, और इन प्रॉपर्टी को लिखने के बजाय बल्कि इनको नहीं लेते, अब हम चारों बॉर्डर अलग अलग बताना चाह रहे हैं। वैसे ऐसा करते नहीं है लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ चारों बॉर्डर आप अलग अलग कैसे बताएंगे, अलग अलग स्टाइल अलग अलग के साथ, मतलब ये मैक्सिमम समझा रहा हूँ। तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल, टॉप का स्टाइल कैसा होना चाहिए, सपोज हमने कहा डॉटेड होना चाहिए। फिर बॉर्डर डैश टॉप डैश विड्थ कितनी होनी चाहिए, सपोज हमने कहा 5 पिक्सल होनी चाहिए। फिर बॉर्डर डैश टॉप डैश कलर कैसा होना चाहिए, तो कलर आप यहाँ बता रहे हैं सपोज इसका कलर होना चाहिए ब्लू कलर का, तो ये आपने बता दिया। आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो इसके ब्लू कलर का बॉर्डर ऊपर बढ़ गया, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ 15 पिक्सल पे, तो ये देखें और कलर शायद मैच हो रहा है उसके साथ, तो कलर को थोड़ा अलग कर देते हैं, सेव कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए 15 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पे इसके टॉप पे लगा है जिसका स्टाइल डैश है डॉटेड है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब बॉटम पे कोई और स्टाइल लगा रहा है तो यही तीन प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और उस पर फिर चेंज क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एच दबाएंगे और जहाँ हमने टॉप लिखा है वहाँ पे क्या लिखे बॉटम लिखे 1 2 3, ये बॉटम हो गया। डॉटेड की जगह पे डेप डैश कर दिया यहाँ पे, कलर जो है यहाँ पर हमने इसका कुछ और ले लिया सपोज करें, और जो उसके 15 पिक्सल थे उसको कम करके 5 पिक्सल कर दिया। तो ये देखें बॉटम पे इस तरह का बॉर्डर अप्लाई हुआ है इस वाले। अब लेफ्ट और राइट की कहानी को भी समझ लेते हैं, तो लेफ्ट और राइट में क्या करेंगे यही सेलेक्ट कर देते हैं, फिर इसको यहीं पर सेलेक्ट करके कंट्रोल एच दबाते हैं रिप्लेस में, और फिर टॉप की जगह पे लेफ्ट लिख देंगे, सॉरी बॉटम की जगह पे क्या लिख देंगे लेफ्ट लिख देंगे 1 2 3, ठीक है। तो ये देखें लेफ्ट पे कन्वर्ट हो गया। डॉट की जगह पे यहाँ पर हम दे देते हैं सपोज डबल, ठीक है डबल दे देते हैं, और यहाँ पे जो है हम 25 पिक्सल कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्लिक करके इसको जो है एक अलग ही कलर वगैरह स्टाइल दे देते हैं यहाँ पे, और ये अप्लाई कर देते हैं रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखें इस पर इस तरह का बॉर्डर आ गया, वो ब्लू पे ब्लू ब्राइट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से कर देते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखें डबल बॉर्डर अप्लाई हो गया 25 पिक्सल का, कम करेंगे इसको आप 15 पिक्सल का कर लें तो ये देखें अलग हो गया, ठीक। अब राइट पे करना है अप्लाई तो यही प्रॉपर्टी दोबारा से पेस्ट करेंगे, फिर इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल एच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सभी कॉलम नहीं लगा हुआ था, अभी भी सभी कॉलम नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ से सेलेक्ट करके फिर हम कंट्रोल एच दबाएंगे और फिर लेफ्ट की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे राइट लिख देंगे, राइट लिखने के बाद इंटर करेंगे, इंटर 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 राइट में कन्वर्ट हो गया, और जो राइट वाली प्रॉपर्टीज हैं उसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, सपोज करिए इसको हम यहाँ पे इस तरह का कलर दे देते हैं और यहाँ पर जो स्टाइल है वहाँ पर चेंज करके सॉलिड कर देते हैं, ठीक है। और सॉलिड करके ये मतलब आपको ऐसा हम करते नहीं है लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम समझा दिया कि अगर आप चारों साइड भी अलग अलग करना चाहें, चारों के स्टाइल भी अलग करना चाहें, चारों के कलर भी अलग करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और आपकी मर्जी है। एक स्टाइल एक रखना चाहते हैं तो सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, ठीक है, और फिर बॉर्डर अलग अलग कर लें। बॉर्डर एक करना चाह रहे हैं तो फिर बॉर्डर लिख के 2 पिक्सल लिख देंगे, स्टाइल भी सॉलिड कर देंगे, कलर एक रखना चाह रहे हैं तो कलर बता देंगे, नहीं तो कलर अलग अलग बता देंगे सबका। तो ये सारा मैक्सिमम आपका इसमें कवर कर दिया। अब ये गौर से समझना, फिर इसकी असाइनमेंट भी दूंगा बनाने के लिए, तो वो आपने बनानी इसी को कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि भाई ये अगला टॉपिक क्या है इसके अंदर। यहाँ पर ये तो हमने समझ लिया, अब इस बॉर्डर को ये शक्ल हमें चेंज करके सर्किल में कन्वर्ट करना है, पहले सर्किल से पहले राउंडेड। अभी ये देखें ये क्या है, ये स्क्वायर है, यानी कि इसके जो कॉर्नर है वो शार्प है, इसको सॉफ्ट करना है। तो सॉफ्ट कॉर्नर करने के लिए प्रॉपर्टी है बॉर्डर डैश रेडियस, बॉर्डर डैश रेडियस जैसी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, और जैसे 25 पिक्सल हम इस पर लिखते हैं तो इसके चारों कॉर्नर चारों तरफ से ऐसे 25-25% राउंड हो जाए, इसको आप कम करके 15 पिक्सल पर लाएंगे तो ये थोड़ा सा और ऐसे हो जाएंगे। अब नीचे वाले को सर्किल करना है, सर्किल कैसे करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को आप लिखेंगे बॉर्डर डैश रेडियस, और लिखने के बाद आप इसको विड्थ और हाइट है उसका 50 पिक्सल कर देंगे, मतलब 100 है हाइट और विड्थ तो 50 कर देंगे, 200 है तो 100 कर देंगे।
5000 है तो 500 कर देंगे, तो उसका हाफ रखेंगे तो ये देखें सर्किल बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या चाह रहे हैं, ये इस तरह से दोनों साइड इसकी गोल हो और इसे लंबा हो, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को इससे 3 गुना बढ़ा देते हैं, 300 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पर आ गया। और इसमें हम लिखेंगे प्रॉपर्टी बॉर्डर डैश लेफ्ट डैश नहीं बॉर्डर डैश टॉप डैश लेफ्ट डैश रेडियस, ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, 0 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। बस इसी प्रॉपर्टी को हम लेके आगे चलेंगे कॉपी एंड पेस्ट, और ये टॉप लेफ्ट था तो ये इसका हो जाएगा बॉटम लेफ्ट, फिर इसको कॉपी कर लेंगे दोनों को, फिर नीचे लेके पेस्ट कर लेंगे, फिर ये टॉप लेफ्ट था तो ये हो जाएगा राइट लेफ्ट सॉरी टॉप राइट हो जाएगा, ठीक है, और फिर बॉटम लेफ्ट था तो ये हो जाएगा बॉटम राइट हो जाएगा। अब मुझे इसको कैसा करना है, ये गोल हो, ये गोल हो, ये गोल हो, ये गोल हो, तो चारों को सेम पे रख देंगे, मतलब हम इसको भी 25 पिक्सल कर देंगे, इसको भी 25 पिक्सल कर देंगे, इसको भी 25 पिक्सल कर देंगे, और इसको भी 25 पिक्सल कर देंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इस तरह का शेप निकल आएगा, मजीद करना है तो 25 से इसको 50 कर दें, और यहाँ से इसको सेव करके रिफ्रेश कर दें, इस तरह का शेप निकल आएगा, ठीक है। हाइट कम करनी है तो आप यहाँ से हाइट भी कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम कर देते हैं इसको 75 पिक्सल, ठीक है। फाइनली अब ये शेप बनाना है तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यही चार प्रॉपर्टी ले रहे हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहे हैं, और इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा के 300 पे लेके जा रहा हूँ, पर इसके दो साइडें घुमाऊंगा और दो साइड नहीं घुमाऊंगा, मतलब टॉप लेफ्ट चाहिए और जो बॉटम राइट लेफ्ट है उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 0, और जो इसका बॉटम राइट है वो 50 चाहिए, और जो इसका टॉप राइट है उसको मैं कर देता हूँ 0, तो ये कुछ इस तरह का शेप बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो शेप चाहें आप किसी भी बॉक्स का बना सकते हैं इसके अंदर फ्रेम का। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आनी चाहिए, किस तरह से आपने कोड करना है या कोड जनरेट करवाना है ये समझ में आएगी तो आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया।